आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चेहरे से अनचाहे बालों को कैसे हटाया जाए। ये बहुत बढ़िया बात मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ, सुन के आपको बहुत अच्छा होगा। आज के टाइम में बेटियां बहनें माताओं के चेहरे के ऊपर जो बाल आ जाते हैं बहुत बेकार लगते हैं, और उससे वो बड़ी अपने आप को शर्म का एहसास करती हैं, कहीं वो जा नहीं सकती, जाती हैं तो मुंह छिपा करके जाती हैं। इन अनचाहे बालों को चेहरे से कैसे हटाया जा सकता है, इसके लिए दो टिप्स मैं आपके बीच में दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप नींबू का पानी लीजिएगा, 1-4-5 चम्मच नींबू का पानी आप लें, थोड़ा सा गुड़ बिल्कुल उसको बारीक कर लीजिए, बुरादा बना लीजिएगा, और 1 चम्मच शहद ले लें, इनको मिला करके इसका पेय बनाइए। एकदम पेय बन जाए फिर थोड़ा सा इसको गर्म कीजिए, और गर्म करने के बाद जहाँ जहाँ बाल हैं वहाँ पर लगाइए। आधा पौन घंटे के बाद में जब इसको आप रेगड़ेंगे किसी रुई से या कपड़े से तो बाल उतर करके आएंगे। उसके बाद में आप अपने चेहरे को धो लीजिएगा, साबुन वगैरह का प्रयोग ना करें, तो इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और लोगों ने इसका फायदा, हमारी भगनियों ने बेटियों ने इसका फायदा उठाया है। एक तो ये टिप्स है पहली। एक दूसरी टिप्स ये है जो कि मैंने धर्म यात्रा कार्यक्रम में भी बताया था, वो ये है कि 100 ग्राम आप पपीता लीजिएगा, बिल्कुल पका हुआ पपीता 100 ग्राम, 25 ग्राम आप डाल लें एलोवेरा, आधा चम्मच डाल लें हल्दी, और उसका लेप बनाएं, जहाँ जहाँ बाल हैं चेहरे पर वहाँ पर लगाइए, एक आधा घंटा लगा रहने दीजिए। उसके बाद उसको भी कॉटन कपड़े से पोंछिए, रुई से पोंछिए, उसके बाद अपना मुंह धो लीजिएगा। आप कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे अनचाहे जो बाल हैं वो चेहरे से एकदम गायब हो जाएंगे, अंदर जड़ से निकल के ख़त्म होंगे, तो फिर वो दोबारा चल करके नहीं आएंगे। ये आप जरूर कीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, आप जरूर कीजिएगा। और वीडियो यदि आपको ठीक लगी है तो वीडियो को आगे भेजना ना आप भूलें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय